be there in Kerala. Shri Mujibullah Khan, धन्यवाद सर। कल वायनाड में जो घटना घटी, जिन लोगों की जाने गई, हम सब उसके लिए अपना दिल से सब दुखी हैं, हम संवेदना देते हैं। उसमें दो डॉक्टर्स भी मिसिंग है, वो जो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, हमारे उड़ीसा से दो डॉक्टर भी मिल नहीं रहे हैं, उनका भी चला है, ढूंढ रहे हैं उनको। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में, जब उड़ीसा में हर वक्त डिजास्टर होता है, तूफान होता है, बाढ़ आता है, तो उड़ीसा का डिजास्टर मैनेजमेंट कैसा किया जाए, उसके बारे में तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जो प्लान एंड प्रोग्राम किए थे, लॉन्ग टर्म प्रोग्राम किए थे, इसी के कारण बहुत जान और माल का रक्षा उड़ीसा में होता था। उसको अगर केंद्र सरकार भी फॉलो करते, जो किस तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट में नवीन पटनायक ने किया था, तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत से लोगों की जानें बचने की उम्मीद बढ़ जाती। जैसा कि ये घटना सब बार बार हो रहा है अध्यक्ष महोदय, आज केरला में हुआ, फिर हमारे अलग अलग राज्यों में भी, आसाम में हो रहा है, उत्तराखंड में हो रहा है, जो बारिश के वजह से मिट्टी धंसने का, हम लोग तो ये भी देखे थे कि जो फिल्म भी बना था उसके बारे में लेके, कि कैसा पानी आ गया और बहुत से लोग बह के चले गए। तो बात है कि इसके बारे में केंद्र सरकार को गंभीरता से सोचना होगा। माननीय आज होम मिनिस्टर जी हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, तो वो मैं उम्मीद करता हूँ कि तत्काल इसको राष्ट्रीय आपदा घोषणा करना चाहिए, क्योंकि 100 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है, और आगे कैसा इसको रोका जा सके, ये जो बार बार घटना हो रही है इसको कैसा रोका जा सके, स्पेशल इसके बारे में मैं केंद्र सरकार से जानना चाहता हूँ कि कितना फंड का व्यवस्था किया गया है, कि स्पेशल कुछ अलग से फंड का व्यवस्था करना भी चाहिए ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, भले कोई भी राज्य में घटना क्यों ना घटे, ज़्यादा करके केंद्र सरकार को हेल्प करना चाहिए, ये उम्मीद मैं करूँगा सर। आज केरला में हुआ, कल असम में होगा, परसों उत्तराखंड में होगा, कहीं ना कहीं ये घटना घटते रहेगा, तो मैं केंद्र सरकार से फिर से गुजारिश करूँगा कि हम लोग इसको डिजास्टर मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए कुछ अच्छा कदम उठाए और फंड का व्यवस्था जरूर करे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री तिरुचि शिवा।